हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट विद आरएस। सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन चार्ज ये कह सकते हैं कि एक मल्टी बैगर स्टॉक लेके आया हूं, जिसकी अगर एक साल की रिटर्न की बात करूं तो दोस्तों इसने पिछले एक साल में 234% की रिटर्न दी है। इसी के साथ साथ एक साल में ही नहीं, पिछले 3 साल में इस स्टॉक ने 1053% की रिटर्न दी है पिछले 3 साल में। और उसी के साथ साथ पिछले 5 साल की बात करूं तो ये स्टॉक पिछले 5 साल में 2007% की रिटर्न दे चुका है। मतलब कि लगातार पिछले 5 साल से इस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और एक मल्टी बैगर स्टॉक बनता हुआ साबित हो रहा है। 739 रुपये इस स्टॉक का प्राइस चल रहा है। स्टॉक का नाम बताऊंगा, सबसे पहले स्टॉक का नाम है अनंतराज लिमिटेड। सो स्टॉक का नाम अनंतराज लिमिटेड। अगर इस कंपनी को फंडामेंटली एनालाइज किया जाए तो इस स्टॉक की जो मार्केट कैपेसिटी है वो है 25,457 करोड़ की, और स्टॉक की पीई की बात करूं तो 84.6, और अगर इंडस्ट्री की पीई की बात करूं तो 29.7। ये कह सकते हैं कि स्टॉक जरूर ओवर वैल्यूड है, मगर अगर इस स्टॉक की करंटली रिटर्न देखी जाए पिछले 5 साल की तो ओवर वैल्यू होना एक स्वाभाविक बात लगती है। इसी के साथ अगर आरओसी की बात करूं तो 8.56 और आरओई की बात करूं तो 8.05 कह सकते हैं। थोड़ी कम इसे मैं जरूर मानूंगा कि थोड़ी कम लग दिया। अगर पिछले 3 महीने की रिटर्न भी देखें तो 54%, मतलब कि जे स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। डिविडेंड की बात करूं तो जो लास्ट टाइम पे कंपनी ने डिविडेंड दिया था 0.11, फेस वैल्यू की बात करते फेस वैल्यू 2 है, स्टॉक के स्प्लिट होने का कोई चांस नहीं लग रहा है। प्लेजर परसेंटेज की बात करें तो प्लेजर परसेंटेज 0, मतलब कि जो होल्डर जो प्रमोटर की होल्डिंग है उस पर किसी भी तरह की प्लेजर परसेंटेज नहीं है। डेप्थ की बात करूं तो 0.17% स्टॉक पे डेप्थ है। टोटल डेप्थ की बात करें तो 627 करोड़ रुपया कंपनी के पास टोटल कर्जा डेप्थ है। फ्री कैश एंड फ्लो की बात करें तो जो वो थोड़ा माइनस में चल रहा है 5 करोड़, एक नेगेटिव बात इस स्टॉक में जरूर है। इसी के साथ साथ अगर बात करें कंपनी की खरीददारी की कि इस स्टॉक के जो स्टॉक्स है उसे खरीदा जा रहा है या बेचा जा रहा है, तो 90% जब मैंने ये वीडियो बनाई 90% लोग इस स्टॉक को खरीद रहे थे और 9% लोग इसको सेल कर रहे थे। इसी के साथ साथ बात करें इस स्टॉक की फाइनेंशियली मैटर की, तो अगर फाइनेंशियली इसका रेवेन्यू चेक करूँ तो पिछले 4 साल से एक फिक्स फ्लो के साथ लगातार ऊपर जाता हुआ हर साल डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ अगर नेटवर्थ की बात करूं तो कंपनी का नेटवर्थ भी हर साल बढ़िया चलता हुआ और 2024 में काफी ज्यादा बढ़त इस स्टॉक में इसके जो नेटवर्थ था उसमें आई दिखाई दे रही है। प्रॉफिट की बात करें तो जिस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है पिछले 4 साल से, लगातार प्रॉफिट भी उसी रेंज से ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी का अगर स्टॉक की प्रॉफिट बढ़ेगी, कंपनी की प्रॉफिट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली स्टॉक का प्राइस भी ऊपर जाएगा और एक अच्छी खासी अपने होल्डर को रिटर्न दे सकता है। इसी के साथ शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 60% के नियर अबाउट पे चल रही है। और इसी के साथ अगर FIIs की बात करूं तो FIIs ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, जो 2 दिसंबर 2023 में 8.96 था वही 13%, मतलब कि पिछले 3 क्वार्टर से FIIs ने लगातार अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। उसी के साथ FIIs ने ही नहीं, DIIs ने भी इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है 1.60 से 6.15, और जो पब्लिक सेक्टर है उसके पास 20% की होल्डिंग बची है। सो कुल मिला के एक बढ़िया स्टॉक और अच्छा स्टॉक है और लगातार रिटर्न देता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म किसी भी टर्म के लिए आप इसको खरीद सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए थी, मैं किसी भी स्टॉक को सेल या बाय करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं देता। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और खुद की सर्च जरूर करिए। थैंक यू सो मच।